आदर्श शिक्षण संस्थान की इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस का पहला वीडियो लेकर हम लोग आए हैं। इसको अपन ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे और समझेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे। 3 क्वेश्चंस एक राजा की कहानी है, उसके राजा की जिज्ञासाओं को शांत करने के बारे में कहानी है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, ए किंग हैज 3 क्वेश्चंस, राजा के पास 3 प्रश्न हैं, एंड ही इज़ सीकिंग आंसर्स टू देम, और वह उनका उत्तर जानना चाहता है। सीक यानी तलाश करना या ढूंढना। व्हाट आर द क्वेश्चंस, प्रश्न क्या है। डज द किंग गेट व्हाट टू वांट, क्या राजा उनके उत्तर सही समय पे जान लेता है। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि राजा को क्या उनके प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग, एक राजा के दिमाग में ये विचार आया, दैट कि ही वुड नेवर फेल, वह कभी भी असफल नहीं होगा, इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर वह 3 चीज़ें जान जाए तो वह कभी भी असफल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें क्या है। वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी किस काम को किस समय पर, कौन से सही समय पर शुरू किया जाए। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द किंग, राजा का यह पहला प्रश्न है। द सेकेंड क्वेश्चन, विच पीपल शुड ही लिसन टू, और वह कैसे लोगों की सुनना चाहिए, यानी कैसे लोगों को अटेंशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ है जो सबसे पहले करनी चाहिए, कौन सा काम है जो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। द किंग देयर फोर, राजा यद्यपि, सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, राजा ने अपने पूरे साम्राज्य के अंदर संदेशवाहक भिजवाए, थ्रू आउट यानी संपूर्ण हिज किंगडम एंड अपने साम्राज्य में, प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, और ये वादा करते हुए कि उसे बड़ी मात्रा में मनी दिया जाएगा। हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, जो इन 3 प्रश्नों के उत्तर देगा उनको बड़ी मात्रा में अमाउंट दिया जाएगा, रिवार्ड दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। मैनी वाइज मैन केम, कई बुद्धिमान लोग इसमें आए, राजा के पास आए, एंड दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, और उन सभी ने अलग अलग उत्तर दिए। इन रिप्लाई इन द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में, सम सेड, किसी ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, राजा को एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इसे कठोरता से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल इस प्रकार ही, दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और वह ऐसा करके ही अपने प्रत्येक काम को प्रॉपर टाइम पर या उचित समय पर कर सकते। अदर सेड, दूसरे ने कहा, दैट इज़ वॉज इम्पॉसिबल, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, क्योंकि यह असंभव था, टू एडवांस द राइट फॉर द डूइंग समथिंग, यानी पहले से ही यह तय करना बिल्कुल असंभव था। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा ने यह सब ध्यान दिया जो वहाँ पर होने जा रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर, और राजा वह मूर्खतापूर्वक खुशी से बचना चाहता था। इस प्रकार इस वीडियो को अपन ध्यान से पढ़ेंगे और गृह कार्य भी अपन पूरा करेंगे जो